दोस्तों, मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन होने की वजह से आप सबको सॉरी। आज हम लोग फिर से न्यू चैप्टर मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, जो टॉपिक हमें मिलता है, वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम सबसे बेसिक टॉपिक है, और क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स की जान है, इसको अगर समझ लेंगे तो बेस मजबूत हो जाएगा और मैथ बनाना आसान हो जाएगा। तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है आगे बनाने के लिए, मैथमेटिक्स में पकड़ बनाने के लिए ये नंबर सिस्टम को जानना ज़रूरी है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेसिक से और कंप्लीट पढ़ेंगे, और बड़े बड़े सवालों को हल करके बताएंगे कि कितने आसानी से इसको हम लोग हल करेंगे। बस इसको आप पूरा वीडियो देखिए, और लगातार इसकी वीडियो, कंप्लीट वीडियो इसका दिया जाएगा, तो इसको आप देखें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्या है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कितने तरह के नंबर होते हैं, क्या क्या उन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो दशमलव प्रणाली होता है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, दशमलव संख्या प्रणाली जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है। बाकी जो बाइनरी सिस्टम होता है, जिसमें तो केवल 2 डिजिट इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग डेसिमल प्रणाली सीखने जा रहे हैं, तो इसमें टोटल 10 डिजिट आते हैं। अगर सवाल पूछ दे दशमलव प्रणाली में कितने कितने अंकों द्वारा संख्या का निर्माण होता है, तो 10 डिजिट टोटल होते हैं इसमें, इस तरह से। अब इसमें हम देखेंगे कि, और इसी से नंबरों का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल, हमको किसी भी तरह का नंबर लिखना है तो हम इसी से बनाते हैं। जैसे 5,650 लिखें तो एक नंबर है, और ये किससे बना है, इसी डेसिमल प्रणाली के द्वारा हम लोग मतलब प्रयोग करके लिखते हैं। उसके बाद इसमें नंबरों में होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है उसको जान लेते हैं। जैसे फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो दिखने में, सपोज कि जैसे एक नंबर हम लिखते हैं, यहाँ पे हम एक नंबर लिखें 4,723। तो यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि 7 का फेस वैल्यू क्या है, इस 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा होगा, फेस मतलब फेस, चेहरा आपको याद रखना, जो जैसा दिखता है उसका वही वैल्यू होता है। तो 7 का अगर पूछा जाए फेस वैल्यू, तो 7 ही होगा। 2 का पूछा जाए तो 2 ही होगा। 3 का पूछा जाए तो 3 ही होगा। तो फेस वैल्यू जो जैसा दिखता है, बस उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। अब एक आता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, अगर हमसे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसका प्लेस देखते हैं। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये इकाई अंक यानी इकाई स्थान में होता है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, तो 7 का स्थानीय मान क्या है हमसे पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, 7 लिख करके, और किस कितने स्थान में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 700। यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर पूछा जाए 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 लिखेंगे, और उसके राइट साइड में जितने डिजिट है उसके बगल में 1 और 2, 2 डिजिट है, तो 2 0 ऐसे लगा देंगे, बस ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। तो बस यही होता है। अगर हमसे पूछ दिया जाए 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 और उसके बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 बैठा दें, यानी कि 4,000। 4 का प्लेस वैल्यू 4,000, इसलिए कि ये 1,000वें स्थान पर 4 बैठा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000। ठीक है ना, तो ये होता है। सवाल कभी ऐसा पूछ दे कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, ऐसा सवाल आ जाता है कभी कि 7 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर बताएं, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू इसके बगल में जितने नंबर है उतने हम 0 बैठा दें, और इसका जातीय सॉरी प्लेस वैल्यू तो 700 होगा, और फेस वैल्यू जो जैसा दिखता है हम बताएं, जो जैसा है उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, तो हम इसको 7 को घटा देंगे, क्योंकि अंतर पूछा है कि 7 के
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होगा, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 6,093 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा अगर इस तरह से सवाल पूछ दे तो बस इतना याद रखना है, फेस वैल्यू जो जैसा दिखता है वही फेस वैल्यू होता है, और प्लेस वैल्यू जिस प्लेस में जिस स्थान में होता है उसको लिख देंगे, और उसके बगल में जितना जीरो है उसको लिख देंगे। जैसे 2 कपे प्लेस वैल्यू पूछे तो 2 लिखेंगे, इसके बगल में 1 डिजिट है तो 1 जीरो बैठा दें, बस यही हुआ। अब हम नंबरों के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स मीन्स, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसमें सारे संख्या मिश्र होते हैं, मिश्रित होते हैं, मिक्स होते हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको दो दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला है एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं हिंदी में, और एक होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर में नाम से ही पता चल रहा है, जिसको इमेजिन किया जा सके, जिसको केवल इमेजिन किया जा सकता है, उसको वास्तविक में वो होता नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव संख्या का या पॉजिटिव संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल जैसे -2 का अगर स्क्वायर किया जाए तो हम जानते हैं -2 × -2 क्या होगा, +4 हो जाता है। इसी तरह अगर +2 का अगर स्क्वायर किया जाए तब भी 2 × 2 = 4 ही होगा, यानी दोनों बार पॉजिटिव में आंसर आया। तो अगर हम तो जान गए नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, उसके स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी नंबर को स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ गया तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता ऐसे। हाँ, लेकिन इसे इमेजिन किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसी को हम लिखते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इसको हम इमेजिनरी नंबर को आयोटा से दर्शाते हैं, आई से, आई फॉर इमेजिनरी नंबर को आई से दर्शाते हैं। ठीक है, और आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है, -1 होता है, यानी कि कोई संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है। तो सिर्फ ऐसा कल्पना में ही किया जा सकता है, रियल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आई का जो वैल्यू होता है वो √-1 होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि बस इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको आयोटा से दर्शाते हैं यानी आई से, और ये √-1 होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम आते हैं, बस इससे ज़्यादा हमको पढ़ना भी नहीं इमेजिनरी नंबर में, हमको असल में रियल नंबर को पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जितने भी, मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या है, जैसे आप लिख सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, इस तरह के, यानी इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी सारे नंबर से जिसको हम लिख सकते हैं जो वास्तविक होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर बता चुके हैं, इमेजिनरी को छोड़कर बाकी सारे नंबर वास्तविक संख्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, यानी पीछे माइनस से लेकर -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, अनंत तक जितने सारे नंबर होते हैं सब के सब वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स को भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक इंटीजर होता है एक पार्ट, और दूसरे पार्ट डेसिमल यानी दशमलव। तो हम जानते हैं कि जो डेसिमल हम पढ़ेंगे तो डेसिमल में क्या होगा कि वो नंबर्स को पढ़ेंगे जो एक टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हमको पढ़ना है। तो डेसिमल में 2 पार्ट होगा इसका, इसको हम जिसको कहते हैं, इसको एक रैशनल नंबर कहा जाता है, इसको रैशनल नंबर कहते हैं, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में। और अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहले हम अभी डेसिमल दशमलव को देख लेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर को। अभी फिलहाल इसको मिटा देते हैं इंटीजर्स पार्ट को। तो चलिए पहले देखते हैं रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल। तो क्या कहें, अभी क्या कहें कि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 0.5 है, 0.5 है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/0, हटाएंगे तो नीचे 10, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। अब जैसे रहेगा 0.0333, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको जब 333 जब रिपीट होता जाए और टर्मिनेट भी ना करे, यानी रुके भी नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, इतनी 3 नहीं लिख करके सिर्फ 3 के ऊपर एक बार दे देते। तो बार से याद रखना है, बार बार जो आता रहेगा। तो जब बार वाले जब पॉइंट में डेसिमल में नंबर हो, तो हम जानते हैं उसको 3 लिख कर उसको, और नीचे में पॉइंट के बदले में 10 ना लेकर के 9 लेते हैं। यहाँ बाद में इसको हम पढ़ेंगे कि क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे इस 0.3 जो रिपीट कर रहा था, इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने अभी जो एग्जांपल देखा है कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या है दूसरी बात की जाए, जिस तरह हम एक नंबर को लिखे 0.5, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे नंबर को जो 0.3 लिखें, ये रिपीटिंग नंबर था, 3 3 3 3, ये अनंत तक जाता है इस तरह से, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो रिपीटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो रिपीटिंग नहीं है, कि 0.5 मतलब कि 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है, तो ये तो रिपीटिंग नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसे रिपीटिंग मान लिया जाता है इसलिए कि पॉइंट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, एक किसी डिजिट को लिखने के बाद आप कितना भी जीरो लिख लें उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जीरो रिपीट हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जीरो रिपीट हो रहा है, इसलिए भी इसे परिमेय संख्या के अंतर्गत लाया गया है, इसे भी मान लिया गया ये भी रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से जीरो क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रखता है डेसिमल के बाद, तो यहाँ से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे नंबर, जैसे 1 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 3.333 आता जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 3/9 लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अब इसको आप शॉर्ट कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, बात तो बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चला जो रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, वो रिपीटिंग होता है, और क्योंकि इसे हम टर्मिनेट कर दिए, जीरो नहीं लिखे, यानी जीरो को रोक दिए, टर्मिनेट करना मीन्स रोक देना होता है, तो यहाँ पे भी 3 को भी टर्मिनेट किया जाता है। और टर्मिनेट करने के लिए इसका, इसके पहचान के लिए जो है एक बार लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है ये नंबर रिपीटिंग है और जिसे टर्मिनेट किया गया है, ठीक है ना, जिसे रोक दिया गया है। तो परिमेय संख्या संख्या का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, इतना याद रखना है, जो नंबर रिपीट हो और जिसे टर्मिनेट किया जा सके। जस्ट अपोजिट अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को देखते हैं, इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इस नंबर, ये नंबर जो है नॉन रिपीटिंग होता है, यानी वो रिपीट नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है √2 है, अगर आप √2 का वैल्यू निकालें तो 1.41, और इस तरह से अलग अलग नंबर आते हैं जाएंगे, जैसे 1.41 है तो अगला नंबर 1 नहीं हो सकता है, दूसरा होगा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ये अनंत तक, इसे आज तक ज्ञात नहीं किया जा सका है कि ये कहाँ पे अंत करता है, यानी वो अंत होता ही नहीं है। जैसे √3 का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू, अब पाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रैशनल नंबर में 22/7 यानी 22/7 को ये परिमेय संख्या है, याद रखें, और जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, यानी इस ये जो है संख्या रिपीट करता है, यानी अगर आप 22/7 का वैल्यू लें तो ये लगभग लगभग 3.142857, इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है, फिर से 1.42857, इस तरह से जो है पांच पांच नंबर का जोड़ी बना करके ये रिपीट होना शुरू कर देता है, ठीक है।
और जबकि अगर हम पाई का वैल्यू देखें तो ये लगभग 3.14159, फिर ऐसे 3 समथिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग होता है। देखिए आप यहाँ पे नॉन रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन आप देखे होंगे आप यूज़ करते हैं पाई का वैल्यू 22/7, इसलिए लिया जाता है कि शुरू के जो है यानी कि लगभग यहाँ तक आपको सेम दिख रहा होगा, यहाँ तक जो वैल्यू है 3.14 यहाँ पर सेम दिख रहा है, इसलिए लगभग लगभग 2 डिजिट तक ले लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखें ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है पाई, ये अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये अंतर याद रखें। यानी इसे टर्मिनेट किया जा सकता है, तभी तो हम 22/7 p/q के फॉर्म में लिख दिए, ये 22 है और ये 7 है, लेकिन पाई को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसको p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, याद रखें। तो जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या, और जिसे लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। तो इससे पता चला कि 22/7 हम p/q के फॉर्म में लिख दिए यानी कि ये परिमेय संख्या है, और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब रैशनल नंबर के बारे में कभी ऐसा सवाल पूछ देते हैं, या अगर पूछ ले कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ए के प्लस बी डिवाइडेड बाय के प्लस वन, ठीक है। अभी इसको हम समझाते हैं किस तरह से, जहाँ पर जहाँ के बराबर होगा 1, 2, 3, यानी कि नेचुरल नंबर के बराबर होगा, मतलब कि के का मान कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो के का मान हम लिखेंगे, के का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से 1, के का मान 1 रखें तो 1+1 हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1+1 2। अगर आपसे सिंपल है कि अगर आपसे ए और बी के बीच एक परिमेय संख्या बोले तो के का मान 1 लेना है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ से निकला है। अगर दो पूछे तो हो जाएगा, के का मान अगर 2 रखिएगा तो हो जाएगा 2a+b डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से आपको याद रखना है। अगर ए और बी के बीच आपको अगर दो परिमेय संख्या बोलेगा तो दूसरा ये होगा 2a+b डिवाइडेड बाय 3 होगा। इसी तरह से के का मान 3, 4 जिस तरह से आपसे पूछ दिया जाए, जैसे अगर पूछे दे 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो सिंपल है फॉर्मूला क्या होता है, ए के प्लस बी डिवाइडेड बाय के प्लस वन। अगर बोले 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, एक परिमेय संख्या बोला है तो यहाँ पे के का वैल्यू 1 लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे ए है 2 और बी है 3। देखिए यहाँ पे जो है इसको डिटेल में बता देते हैं, ए का वैल्यू 2 है और के, क्योंकि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बोला इसलिए 1 लेंगे प्लस बी 3 लेंगे डिवाइडेड बाय के का वैल्यू 1 लेंगे और फिर वो 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 3 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5 होगा। यानी 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा, फर्स्ट परिमेय संख्या 2.5 होगा। दूसरा पूछ दे तो के का वैल्यू 2 बैठा दे, 3 पूछे तो अब उसको 3 बैठा दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते। अगर सवाल पूछ दे फाइंड इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच में एक अपरिमेय संख्या, तो ऐसा पूछ दे तो अंडर रूट ए इंटू बी होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो लिखें अंडर रूट 2 इंटू 3 यानी अंडर रूट 6 होगा, ये होगा आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम इंटीजर्स को देखेंगे, तो इंटीजर्स को आप पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और नेगेटिव इंटीजर जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इंटीजर्स में जो होते हैं कि नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक में वो सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जितने भी संख्या है, जितने भी है -3, इस तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, -1, इस तरह यहाँ तक के माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के सारे नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर सारे 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर के पूरा पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को, यानी अनंत तक, यानी सारे 1 से लेकर अनंत तक सारे पॉजिटिव नंबर्स को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक
सारे पॉडी से पॉजिटिव इंटीजर और माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक। अब जो बीच का जो ज़ीरो है, याद रखें कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो ये नन पॉजिटिव एंड नन नेगेटिव नंबर है, याद रखें, नन पॉजिटिव एंड नन नेगेटिव। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, जो ज़ीरो है ये नन नेगेटिव एंड नन पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये ज़ीरो नन नेगेटिव नन पॉजिटिव इंटीजर है, और जो वन टू थ्री जो जिस नंबर को हम लिखते हैं, वन टू थ्री जिसको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, इसे इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या है वन टू थ्री। और हॉल नंबर हम कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या, हॉल नंबर कहते हैं कि नेचुरल नंबर में, यानी कि ज़ीरो के साथ नेचुरल नंबर को लिखा जाए, ज़ीरो को अगर ले लिया जाए, ज़ीरो वन टू थ्री फोर, तो हम इसे कहते हैं हॉल नंबर। याद रखें, ज़ीरो को हॉल नंबर नहीं कहते हैं, बल्कि हॉल नंबर का एक पार्ट है ज़ीरो, यानी नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो को कंबाइन करके लिखते हैं, उसे हम हॉल नंबर कहते हैं, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखें, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होने। अब इंटीजर्स में तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो सभी नंबर्स आते हैं, तो इंटीजर में उन उन नंबरों को भी अलग अलग डिवाइड बांटा गया है जिसे पहचानने के लिए। जैसे उसमें भी सारे नंबर्स में जो बेसिक होते हैं, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर सिंपल है, इसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं, और सम संख्या जो होती है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फोर, फोर टू से कम्प्लीटली डिविजिबल है, सिक्स है, एटीन है, इस तरह से। याद रखें कम्प्लीटली, वरना थ्री भी तो टू से डिवाइड हो जाता है, 1.5, लेकिन ये नहीं, कम्प्लीटली जो डिविजिबल आ जाए और कोई रिमाइंडर ना हो, यानी कि दशमलव में वो आंसर ना आए, ठीक है ना। तो इसीलिए कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू, इस नंबर को सम संख्या कहते हैं। फिर विषम संख्या जो है जस्ट अपोजिट है, यानी नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी जो दो से डिवाइड ना हो, जैसे वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, इस तरह से 17 हो गया, इस तरह से ये सब नंबर ऑड नंबर, इसे हम कहते हैं। यानी हम अगर कह सकते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी से हम आए और दो दो के गैप में माइनस फोर माइनस टू, फिर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, फिर क्या आएगा, टू आएगा, फिर फोर आएगा, इस तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सभी को हम सम संख्या कहते हैं। जो दो से डिवाइड हो जाए, माइनस टू, ठीक है, माइनस फोर माइनस टू, यानी दो, जाहिर सी बात है जो दो दो के गैप में जो नंबर्स होगा वही, मतलब जो नंबर्स दो से डिवाइड हो और उसके आगे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर दो के गैप में हो, वही होगा सम संख्या। तो यहाँ पे आपको माइनस दो के बाद ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो के बाद फिर प्लस दो, फिर प्लस चार। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चला कि ज़ीरो भी इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं जान रहे हो तो आज आप जान जाएंगे कि ये ज़ीरो भी इवन नंबर होता है, ठीक है ना। और जो ऑड नंबर है, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव ऑड से लेकर के जितने भी दो दो के गैप में, तो यहाँ पे आपको जैसे माइनस तीन आएगा, फिर अगला नंबर माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर थ्री आएगा, इस तरह से इन्फिनिटी तक के जो ऑड नंबर है वो सारे, जो दो से कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय टू जितने भी नंबर हैं उसे ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इवन और ऑड नंबर्स में भी अलग अलग क्वालिटी के नंबर्स होते हैं, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसे अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो जिसमें से हम पढ़ते हैं, पहला क्या है, प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसी नंबर को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वह नंबर जिसके केवल दो भाजक हो, यानी कि केवल दो भाजक हो, यानी केवल दो ऐसे नंबर हो जिससे वो भाग जाता हो, यानी जिसे काटा जा सके। पहला एक, यानी वन से, और वन तो ऐसा है जिससे सभी नंबर्स कट जाते हैं, और दूसरा खुद वो संख्या, यानी प्राइम नंबर जो होगा या तो वन से कटेगा या खुद अपने आप से कटेगा, और तीसरा किसी और नंबर से नहीं। जैसे टू, वन से टू तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि वन से तो सभी नंबर्स कटते हैं, और दूसरा टू खुद टू से कटेगा और तीसरा किसी से नहीं। उसी तरह थ्री, उसी तरह फाइव, उसी तरह सेवन, उसी तरह इलेवन, इलेवन या तो इलेवन से कटेगा, और वन तो खैर कॉमन है सभी में, और तीसरा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। तो इसे अभाज्य संख्या, अभाज्य माने जिसे भाज ना दिया जा सके, ठीक है। तो इसके क्या है, जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक पहला वन और दूसरा खुद वो संख्या। दूसरा है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। तो
भाज संख्या जिसके दो से अधिक भाजक हो, जैसे फोर, फोर के दो भाजक हैं, एक वन तो है, वन तो सभी में कॉमन है, वन से ये फोर कटेगा, टू से कटेगा और तीसरा फोर से कटेगा, यानी जो जिसका दो से अधिक भाजक हो वो भाज संख्या है, ठीक है ना। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, वन को भी लिया जाता है, वन से कटेगा, टू से कटेगा और फोर से, ये तीन नंबर से कटेगा इसलिए ये भाज संख्या। उसी तरह सिक्स है, वन से कटेगा, टू से कटेगा, थ्री से कटेगा और सिक्स से कटेगा, ठीक है। तो ये सब भाज संख्या यानी कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है। अब आ जाता है कि यहाँ टू से शुरू हुआ है, ठीक है ना, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, और याद रखिए टू के बाद जितने भी नंबर है थ्री फाइव सेवन इलेवन सभी ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे थ्री फाइव सेवन इलेवन सब ऑड है। कहने का मतलब टू ही एक ऐसा सिंगल नंबर है जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ इवन भी है, यानी इवन नंबर है, यानी सम संख्या, यानी कि सिर्फ दो ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ऑड होते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि वन जो है, वन वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, वो एक जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, क्योंकि दोनों के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। क्योंकि भाज अभाज संख्या का डेफिनेशन क्या है कि जिसके केवल दो फैक्टर हो, वन सिर्फ वन से कटते हैं बाकी किसी और से नहीं कटते हैं, तो यानी कि ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर यानी भाज संख्या यानी जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, यहाँ तो एक ही फैक्टर है ही है, दो कहाँ से आ जाएगा, इसलिए वन जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब कभी कभी सवाल ऐसा रैंडमली पूछ लिया जाता है कि एक से पचास तक के कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, तो याद इसको बस याद रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। एक से पचास तक के 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, आप उसको निकाल के देख भी सकते हैं, और 50 से 100 तक के 10 प्राइम नंबर होते हैं, और अगर डायरेक्ट टोटल पूछ दे कि 1 से 100 तक के कितना होगा, तो कितना होगा, 10 और 15 25, यानी 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, एक से 50 तक के 15 और 50 से 100 तक के 10 होते हैं, इसको याद रख लेना है। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसे दो नंबर्स के पेयर को जिसका एच सी एफ वन हो, यानी कि एच सी एफ वन हो यानी उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वन और थ्री ये दो नंबर हैं, यानी कि वन और थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, तो इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे नाइन और 25 देखा जाए यहाँ पे, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर से कन्फ्यूज़ नहीं होता है, पर कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है इसलिए कि प्राइम लिखा हुआ है, इसलिए ना कि देखिए नाइन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है ना ही 25 प्राइम नंबर, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ कॉमन भी नहीं है, और इनका एच सी एफ जो आप निकालिएगा तो वन आएगा, इसे रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर के साथ साथ को प्राइम को भी जान ले ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। को प्राइम नंबर, को का मतलब ही होता है विथ, यानी साथ में, प्राइम माने प्राइम, यानी कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जैसे टू और थ्री, देखिए टू और थ्री दोनों प्राइम नंबर है, जैसे फाइव और सेवन ये दोनों प्राइम नंबर है, जैसे इलेवन और थर्टीन दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और इत्तफाक ये है कि इन दोनों के बीच में भी कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसका भी एच सी एफ निकालिएगा तो इत्तेफाक से यहाँ पर भी वन आएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है, याद रखें, ठीक है ना। तो को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को याद रखना है। को प्राइम नंबर, सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर है, बट सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम नहीं है। जैसे यहाँ पे 9 और 25, यहाँ पे एच सी एफ इसका 1 है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। अब एक सवाल ले लेते हैं ताकि रिलेटिवली प्राइम नंबर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये पूछा हुआ एस एस सी में सवाल है। सवाल है कि यदि पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम नंबर है और पी प्लस क्यू 10 है, जहाँ पर पी छोटा है क्यू से, तो पी और क्यू के कितने पेयर संभव है? तो इसको बनाते हैं तो सवाल खुद समझ में आ जाएगा। सवाल ये है कि पी और क्यू, पी प्लस क्यू का योग 10 है, ठीक है, जहाँ पर पी छोटा है क्यू से, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है पी और क्यू के लिए? तो देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर हम जानते हैं जिन जिन दो संख्या के बीच कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे, और क्योंकि पी छोटा है क्यों से ये सवाल में कह दिया, तो अगर हम पी को 1 लें तो क्यों को 9 लेना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 10 होना चाहिए, सवाल में दिया है। दूसरा क्या और क्या संभव है, क्या अगर हम इसको 2 लेते हैं तो यहाँ पे हमको 8 लेना होगा, यहाँ पे अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमको 7 लेना होगा, यहाँ पर 4 लेते हैं तो
तो यहाँ पे 6 लेना होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 5 आगे क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पे 5 लेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ये तो दोनों बराबर हो जाएगा, और ऐसा नहीं लेना है क्योंकि सवाल में बोला है जहाँ पर पी छोटा हो क्यू से, तो यहीं तक जाएंगे क्योंकि अब तो आगे बड़ा हो जाएगा, मतलब पी बराबर हो जाएगा, तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो इतने जोड़े संभव है, लेकिन इतने जोड़ों में हमको ये देखना है, सवाल ये है कि पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर में के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 और 9 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं, इसका एच सिर्फ 1 है, यानी ये जोड़ा संभव है। 2 और 8 इसके बीच में 2 कॉमन है, यानी 2 और 8 के बीच में 2 कॉमन है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 3 और 7 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये जोड़ा संभव है। और 4 और 6 के बीच 2 कॉमन है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो ये केवल 2 पेयर संभव है, ठीक है ना, 2 पेयर इसका आंसर होगा, यानी केवल 2 ही जोड़े बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ चुके हैं, अगर समझे नहीं है तो इसको आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। लास्ट हम सीखने जा रहे हैं परफेक्ट नंबर, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा पूरा नंबर सिस्टम का बेसिक्स, यानी सभी नंबरों के बारे में आप जान जाएंगे। आपको लग रहा होगा ये जानने की क्या ज़रूरत, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि इसकी कितनी आवश्यकता है। तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, खुद को छोड़कर संख्या के सभी भाजकों का योग संख्या के बराबर हो जाए तो परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल 6, 6 को आप देखेंगे इसके क्या क्या भाजक है, यानी फैक्टर 1 है, यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, खुद को छोड़कर, यानी इसको हटा दिया जाए तो इन सभी भाजकों का योग किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 1, 2, 3, 3, 6 यानी संख्या के बराबर हो जाए, इसी को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल 28 होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके कौन कौन फैक्टर हैं, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और खुद 28 से कटेगा। तो खुद को छोड़कर ये डेफिनेशन है, इसको छोड़ देंगे। अब इसके सभी भाजकों को अगर जोड़ा जाए तो ये 28 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 14 और 14, 14, 28, यानी खुद इस संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी खुद को छोड़कर संख्या के सभी भाजकों का योग संख्या के बराबर हो जाए तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारे वीडियो बेसिक से बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके जो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया पर ये बहुत ही काम का वीडियो है। तो वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।